कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर जिला स्थित कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष वितरण महोत्सव शुरू हो गया है। रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जिसके चलते इंदौर भोपाल हाईवे पर लंबा जाम लगा है। करीब 20 किलोमीटर लंबे जाम में श्रद्धालुओं समेत कई वाहन फंस गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में गुरुवार को रुद्राक्ष वितरण महोत्सव शुरू हो गया है। शिव महापुराण कथा भी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से भोपाल इंदौर हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। कुबेरेश्वर धाम से चौपाल सागर तक भोपाल की ओर लंबा जाम है। इतना लंबा जाम लगने के बाद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भोपाल और इंदौर दोनों तरफ से लोग लगातार कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन के इंतजाम भी गड़बड़ा गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए छाया के इंतजाम नहीं है। 10-10 घंटे धूप में खड़े होने से लोग चक्कर खाकर बेहोश हो रहे हैं। 2000 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रुद्राक्ष वितरण के लिए 10 काउंटर बनाए गए हैं। भीड़ को देखते हुए एक दिन पहले यानी बुधवार से ही रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया था। पहले दिन करीब 1.5 लाख रुद्राक्ष बांटे गए। गुरुवार को रुद्राक्ष के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। 2 लाख से अधिक लोग तो कतार में ही लगे होने का अनुमान है। भीड़ को रोकने के लिए बांस और बल्लियों से बैरिकेड लगे थे, जो भीड़ को रोकने में नाकाम रहे। कार्यक्रम के एक दिन पहले ही बुधवार को यहां 2 लाख से अधिक लोग पहुंच गए थे। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष बांटना शुरू कर दिया गया था। गुरुवार को करीब 8 लाख से अधिक लोग पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुबेरेश्वर धाम पर आए श्रद्धालुओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त होने की वजह से हो रहा है। श्रद्धालु परिजनों से बिछड़ रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथाओं में रुद्राक्ष की महिमा का बखान करते रहते हैं। उनके अनुसार यहाँ रुद्राक्ष पानी में डालना है और उस पानी को पीना है, इससे हर समस्या दूर हो जाती है। नक्षत्र खराब हो तो वह भी ठीक हो जाते हैं। बीमारी समेत हर संकट दूर हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।